स्वागत दर्शक बंधु जदि भल लाइफ स्टाइल जनकर आवश्यकता रही प्राचुर्य भितर मनुष्य बचे चाहिए भल अर्थ रोजगार करने जरूरी आर्थिक अवस्था भल रहा दरकार किंतु जड़े सफल होबाकु हेले प्रथम आवश्यकता होची दृढ़ इच्छाशक्ति और परिश्रम एमती अनेक उदाहरण देखिए कि आर्थिक अवस्था घरे भल नपा माँ हूँ गोटे सिंपल लाइफ स्टाइल देखे किंतु परवर्ती से उदाहरण साजते सेमती एक खबर मुस्तफा सुलेमान माइक्रोसॉफ्ट नूतन एआई डिविजन मुख्य भाव नियुक्त होती गूगल डीप माइंडर सह प्रतिष्ठाता मुस्तफा एआई दुनिया बड़ ना एवं सुलेमान तांको सोशल मीडिया हैंडल में घोषणा करते माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नाडेला सुलेमान को दल को स्वागत करते गोटे बड़ ना एवं सुलेमान गूगल पूर्वतन कार्यनिर्वाही अधिकारी थिबारु से अत्यंत आनंदित तेबे मुस्तफा सुलेमान किए आपण भावुते कहा विषय में कहूँ ये किए संघर्ष करिछन्ति कि नाही किंतु मुस्तफा सुलेमान को विषय जानिबा पूर्वरु आसंतु जानिबा प्रकृतरे किभली भावे से जीवन संघर्ष करिछन्ति आ काहे कि तांको आमे उदाहरण भावे नैछे तांको बापा जने टैक्सी ड्राइवर तांको मां जने नर्स माइक्रोसॉफ्ट रे जोग देबा पूर्वरु से करुथिले कौन आसंतु जानिबा 1984 रे लंडन रे से जन्मग्रहण करले मुस्तफा सुलेमान तांका पिता जीवन रे अनेक संघर्ष करचंती जेहेतु सीरिया रो जने टैक्सी ड्राइवर से मुस्तफा सुलेमान का मां मध्य जने नर्स घर रो आर्थिक अवस्था एते भल नथिला ता परे मध्य उच्च शिक्षा पई से सबबले स्वप्न देखथिले उच्च शिक्षा पई उद्यम मध्य करथिले जो रिपोर्ट सामना कछि से रिपोर्ट अनुसार बा तांका किछ इंटरव्यू मध्य रहिछे से इंटरव्यू अनुसार से कहचंती जे दर्शन एवं धर्मशास्त्र अध्ययन पई से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रे ना लिखिथिले अवश्य परवर्ती समय रे बा सेकंड इयर रे से बाहरी आसते विदाय नाक निष्पत्ति नहीं कारण 19 वर्ष बयस निज सांग सहित मिसी मुस्लिम यूथ हेल्पलाइन प्रतिष्ठा करते यह एक टेलीफोन काउंसलिंग सेवा था जहाँ खूब शीघ्र बेस पॉपुलर होता जहाँ शीघ्र ब्रिटेन एक मानसिक स्वास्थ्य सपोर्ट सहायता प्लाटफर्म परिणत होता जहाँ युववर्ग मानू सपोर्ट सिस्टम दौर जो युवक मैंने मानसिक स्तर में दुर्बल थे साहय दि जाए ये हेल्पलाइन नंबर द्वारा तांको सहाय करते परवर्त समय तांको जीवन रे अनेक बुड़ आसी गूगल रे से जोग देते परवर्त समय से विदाय मध्य किंतु धीरे 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 कठिन परिश्रम आउ तांको दृढ़ इच्छा शक्ति आज ये स्थान में पहुँचे जो से अन्य समस्त उदाहरण साजिंट माइक्रोसॉफ्ट एआई वर्तमान सीईओ अनेक स्वप्न समस्त थाए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी रे काम करेंगे किंतु वर्तमान जेहेतु सीईओ हिसाब से निजे घोषणा करछंती बेस खुशी मध्य प्रकाश करछंती तेबे लाइफ स्टाइल को नहीं आलोचना करिबार गोटे बड़ कारण हो बेले बेले आर्थिक अवस्था भल ना कही हे तो पे उच्च शिक्षापी स्वप्न देखापी डरती किंतु एमती अनेक कहानी आम सामना को आसी जदिओ गोटे आर्थिक अवस्था सुछल नथिले मध्य किभली भावे से माने संघर्ष करछंती जीवन रे आउ आगु को जायछंती तार गोटे परे गोटे उदाहरण देखिछि याकु नि अधिक आलोचना करबा हम सहित वर्तमान जोड़ी होउछंती चंद्रशेखर विश्वाल अछंती आईटी विशेषज्ञ श्री विश्वाल आपन को स्वागत करूछि श्री विश्वाल कोन कहबे ए रिपोर्ट समस्त को निहाती भावे उत्साहित कला परे किंतु तांका करियर को नि हम टिके आलोचना करबा आज्ञा हेलो सर कोन्तु हेलो आज्ञा सर कुंतु हाँ मुस्तफा सुलेमान जे कि प्रथम वर्तमान माइक्रोसॉफ्ट एआई डिविजन सीईओ सी पूर्व मल्टीपल दिचारा कंपनी तैयारी कर हेल्पलाइन कंपनी बहुत सारा से माने कंपनी तैयारी कर एंड सी ऑक्सफोर्ड ड्रॉप आउट किंतु यार इमीडिएट पूर्व से दुटा एआई कंपनी तैयारी करते गोटे डीप माइंड आ गोटे इन्फेक्शन एआई जोटा कि डीप माइंड को आगर गूगल एक्वायर कर दीथला एंड से गूगल रे काम करूथले गूगल डीप माइंड रे हेड हिसाब रे तापरे वर्तमान से इन्फेक्शन एआई चलाउथले 2022 रु एंड से इन्फेक्शन एआई को वर्तमान माइक्रोसॉफ्ट एक्वायर कला एवं माइक्रोसॉफ्ट एआई डिविजन में तंको हेड करके नियुक्त कला माइक्रोसॉफ्ट रो बहुत सारा एआई प्रोडक्ट अछि जेंति कि अपन कहियो माइक्रोसॉफ्ट को पायलट माइक्रोसॉफ्ट बी माइक्रोसॉफ्ट एज ये सब प्रोडक्ट रे केमती एआई को इंप्लीमेंट करके जेहेतु मुस्तफार होती एआई रे जन एक्सपर्ट लोक तेनालीराम से केमती बेटर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एआई को सीईओ भाव में नियुक्ति कर पूर्वरु यही पोजिशन सैम अल्टमैन को मध्य ऑफर करथिला माइक्रोसॉफ्ट आप जानते सैम अल्टमैन होती ओपन एआई रो फाउंडर जोटा कि चैट जीपीटी आप कौन तो सही पोजिशन टाइम ऑफर करते डिनाइ कला मुस्तफा सुलेमान को दे दिया गया थी पोजीशन का सर एबे एआई को ने बेस चर्चा होचे और कुआ जाउचे मुस्तफा एआई दुनिया रे सबटु बडो ना सर अन्य युवक मानक पई निहाती भाबरे से प्रेरणा
ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହଉ ବା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ନେଇକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପପୁଲାର ହେଉଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ କରୁଛି। ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଲଗେଇକି ଟିକେ କାମଟାକୁ ସହଜ ହେଇପାରୁଛି, ସୁବିଧା ହେଇପାରୁଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ବହୁତ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ହଜାରରୁ ଉପରେ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ସ ଆସିଲାଣି ଗ୍ଲୋବାଲି, ଆପଣ ଯାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଆପଣ ଗୋଟେ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦରକାର, ଆପଣ ଏଆଇ କୁ କମାଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ ଏଆଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ କରିବା ଦରକାର, ତ ଫଟୋ ଏଡିଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ଏଆଇ ଥ୍ରୁରେ କରିଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଏମିତି ଆସିବ ଯେତେବେଳେ କି ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡାକର ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ ବି ଅଟୋମେଟିକ ଏଆଇ ଥ୍ରୁରେ ହବ। ହେଲ୍ଥ କେୟାରରେ ବି ଏଆଇ ବହୁତ ଏଆଇ ର ବହୁତ ରୋଲ ଆସିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ନିୟର ପାଷ୍ଟରେ ସେ ଗୋଟେ ଚିପ୍ ଲଗେଇଥିଲେ ମଣିଷର ବ୍ରେନ୍ରେ, ଯେଉଁମାନେ ପାରାଲାଇଜ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କୋମାକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଭାବନାଟାକୁ କେମିତି ସେ ମେସିନ୍ରେ ବିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜ୍ କରିକି ରାଇଟିଂ ଫର୍ମ ଲୋକକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ସେ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କରିକି ଏଆଇ ର ଚାହିଦା ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଯୁବକ ମାନେ ବି ତା ପ୍ରତି, ଯୋଉମାନେ ଆଇଟି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ନୂଆ ନୂଆ ଏଆଇ ପ୍ରୋଟୋକଲ ବାହାରୁଛି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କମ୍ପାନୀର ଗୁଗୁଲ ଡିପେଣ୍ଡ ର ହେଡ୍ କରିଥିଲା। ତାପରେ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କଲେ ଗୁଗୁଲ ଛାଡିକି ଇନଫେକ୍ସନ ଏଆଇ କରିକି, ଏଗେନ୍ ସେଇ କମ୍ପାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କିଣିଦେଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାର ସିଇଓ କରିକି ବସେଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଆସେ, ସେମ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଗୁଗୁଲରେ 2022 ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ତେଣୁକରି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବି ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ବହୁତ ଟାଇପ୍ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ୍ରାଇସିସ୍ ର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଗଲା ସେ ସେଇ କମ୍ପାନୀର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରିବ ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଏରିଆ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବିଶ୍ୱାଳ ଥିଲେ ଆଇଟି ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଆମେ 2ଟି ଦିଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଗୋଟେ ତ ଏଆଇର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନାଁ ମୁସ୍ତାଫା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯାହା ବେଶ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ବାପା ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ, ମା ନର୍ସ ଥିଲେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଟପ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ରହି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଡରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ଛଡ଼ା ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବା ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସମୟ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର।